Good morning, students. I am Samira Pahawa, your computer teacher. Students, today we will start Chapter 4, Advanced Features of Word Processor, Part 2. हमने पहले थर्ड चैप्टर में पार्ट वन में कुछ फीचर्स किए थे, अब हम उससे आगे और फीचर्स करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद इंसर्टिंग एंड ड्राइंग अ टेक्स्ट बॉक्स. स्टूडेंट्स, अगर हमने अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ता है. तो हम उसको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और उसमें से हम टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन चूज़ करेंगे. देन ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स. एंड जैसे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम एक रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और उसमें हम अपनी जो भी हमने राइट करना है उसमें हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर एंड शेडिंग. बॉर्डर, हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसके चारों तरफ अगर हमने कोई बॉर्डर ऐड करना है या फिर कोई और शेडिंग इफ़ेक्ट ऐड करना है, तो ये हमारे ऑप्शंस टेक्स्ट को, पैराग्राफ या पेज, तीनों पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं. इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स यू मस्ट हैव सीन सम पेजेस और टेक्स्ट आर गिवन ए बॉर्डर अराउंड देम. कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में हम देखते हैं कि टेक्स्ट को एक अलग से डेकोरेट करके बॉर्डर में, बॉक्स में लिखा हुआ होता है. एंड सम पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इज ऑल्सो गिवन ए शेडिंग बिहाइंड इट टू मेक इट स्टैंड आउट. और कुछ पार्ट्स में पीछे पीछे कुछ शेडिंग भी की हुई होती है. तो हमें ये देखना है कि हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में बॉर्डर और शेडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले जिस टेक्स्ट को हमने बॉर्डर अप्लाई करना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे. देन हम होम टैब में पैराग्राफ रूप में बॉर्डर्स ऑप्शन के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे हमें बॉर्डर्स के स्टाइल मिलेंगे. हम इसमें से अपनी चॉइस का कोई भी बॉर्डर स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, लाइक बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमारा है शेडिंग. इसी में ही हम सेम हमारा जो टैब है बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में ही जाएंगे और यहाँ पर हमें थ्री टैब्स मिलेंगे, पेज, बॉर्डर, बॉर्डर्स एंड शेडिंग. तो हम अपनी चॉइस से अपनी नीड के अकॉर्डिंग बॉर्डर्स या फिर शेडिंग चूज़ कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट हमने पेज बॉर्डर को सिलेक्ट किया है, देन हम बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से स्टाइल में बॉर्डर चाहिए. नेक्स्ट फिर हम अपना कलर चूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट बॉर्डर की विड्थ कि हमें बॉर्डर कैसा चाहिए और उसका कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, हम वो भी चूज़ कर सकते हैं. सब कुछ जब हम अप्लाई उसको सिलेक्ट कर लेंगे देन क्लिक ओके बटन. एंड इसी की तरह अगर हमने शेडिंग चूज़ करनी है तो हम शेडिंग टैब को सिलेक्ट करेंगे, अपनी चॉइस से डिज़ायर्ड कलर सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे. दिस इज़ व्हाट वी विल रीड टुडे. द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द लेसन वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.